इनसे आदेश हुआ है बात पॉजिटिव रखनी है और पॉजिटिव सकारात्मकता के लिए तो हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे बीच मंच को सुशोभित कर रहे मानवता की जीती जागती मिसाल करुणा के सागर सतीश कौम को जिनके आशीर्वाद से फल फूल रही है, परम आदरणीय सरदे संत श्री जगरामपुरी जी महाराज के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। मानवता के मसीहा जिनके अंकुरित पौधे से ये बाड़मेर फल फूल रहा है, जिनके त्याग और तप से श्री रामदान जी की सर जमी को मैं नमन करता हूं। नमन करता हूं उस न्याय की मुख्य धारा जिन्होंने सतीश कौम को साथ लेकर के चले, मान्यवर गंगाराम जी चौधरी को मैं नमन करता हूं। नमन करता हूं इस मंच को, जिस मंच को आज सतीश ही कौम ने अपने आशीर्वाद से सजोया है। ये मंच ऐसे ही नहीं लगा है, इस मंच को सतीश कौम ने सजोया है, इस मंच को मैं नमन करता हूं। और इस मंच को सुशोभित कर रहे हर समाज से, हर समाज के मुखिया, हर संस्था की मुखिया जो पधारे हैं, उन सभी को मेरा नमन। साथियों, 5 तारीख की वो मध्य रात्रि बहन प्रियंका जी ट्वीट करती है, बहन प्रियंका जी ट्वीट करती है कि हे मेरे समाज के लोगों, मेरे सतीशी कौम के भाइयों, प्रातःकाल मेरे घर पधारे और मेरा आगे का रास्ता, आगे का मार्गदर्शन तय करें। 6 तारीख को प्रातःकाल 7 बजते बजते प्रियंका जी के निवास स्थान के आगे हजारों की संख्या में सतीशी कौम के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहने, नौजवान साथी, मजदूर साथी, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत के लोग, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो मानवता मिनटपुरा में विश्वास रखते हैं। और बहन उन नम आंखों से झोली फैला करके ये बात कहती है, अब साकारात बात में अब मैं वो बड़ी बातें तो नहीं कहना चाहूंगा जो पुरानी बीत गई है। बहन कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब सतीशी कौम के पधारे लोगों ने कहा कि आप तो फार्म भरिए, हम आपको निर्दलीय टिकट देते हैं। और सतीशी कौम ने बहन को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिल की तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और दिल की तमन्ना झूठी हो तो निकले हुए रास्ते बंद हो जाते हैं। और सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से हमारे को इस मुकाम को हासिल करना है, विजय श्री हासिल करनी है। साथियों, हमारे प्रतिद्वंदी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े चालाक है, बड़े चतुर है, लाखों करोड़ों रुपये उनके पास आए हुए हैं, वो अपने पैसों का दुरुपयोग करेंगे, आगे क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। वो अपने पैसों का दुरुपयोग करेंगे, आपके खेत खलियान, हेडा पड़ोस, ढाणी दरवाजे, गांव में आएंगे, आपको साड़ी झाड़ी पूड़ी कचौड़ी का लालच देंगे, आपको खाने का पीने का डोडे का अम्बल का लालच देंगे, आपको धोली गाड़ी का लालच देंगे। और उस लालच से परे रह करके
हमारे को केवल एक ही बात करनी है, वो बात करनी है बहन प्रियंका की करनी है साथियों, वो बात हमें करनी है तो बहन प्रियंका की करनी है साथियों। एक बेजुबान जीव होता है मुर्गी, मुर्गी आस पड़ोस से चुगा तो ले सकती है मगर जब अंडा देने की बात आती है तो वो मालिक के कुड में आकर के अंडा देती है। चुगा वो चारों तरफ से चुगती है मगर जब अंडा देने की बात आती है तो वो मालिक की कुड में अंडा देती है, क्योंकि कीमत जो होती है उस अंडे की होती है। तो ये लोग तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हें सारी झाड़ी पूड़ी कचौड़ी ले लो, टंकी उनसे भरवा दो, गाड़ी उनकी ले लो, मगर पर्दे में जाकर के वोट बहन प्रियंका का ठोको, तभी जाकर के इन लोगों को लखड़ आएंगे। तो साथियों ये लोग जो हाके कर रहे हैं ना गली मोहल्ले खेत खलियान के अंदर बच्चों को झंडे दे करके, अबे हाको वो काको एड़ी बात कोनी है। अबे मैं था ने ई मंत्र माध्यम कहूं के दोई पार्टियारे पड़ेला फाको और प्रियंका चौधरी बेन करेला जयपुर में हाको, ए दोई पार्टियारे पड़ेला फाको और प्रियंका बेन करेला जयपुर में हाको, आ बात है मैं ई मंत्र माध्यम कहना चाहूं। साथियों कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उसा लो तो यारो। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी भाइयों से, माताओं से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से कि आपको 25 तारीख तक आपको लगना है साथियों, आपको लगना है मिनट पड़े के नाते, आपको लगना है इंसानियत के धर्म को निभाने के नाते, आपको लगना है मानवता के इस जो आज सत्तीसी कौम ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के लिए तुम्हें लगना होगा साथियों। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रियंका के तुम सभी सिपाही, प्रियंका जी के सभी सिपाही निकल पड़ो हर बस्ती में और गीत जागरण का तुम गाओ मिलके सारे मस्ती में, और मस्ती का आलम होना चाहिए। और बहन प्रियंका 3 तारीख को जयपुर हम सभी इनको तिलक करके भेजे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। और मंच पे जो इधर उधर जो साथी खड़े हैं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सभी को, हम बहन प्रियंका जी के लिए आए हैं। जो इधर उधर जो बातों में मशगूल जो टोलियों में मेरे साथी खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच के नजदीक आए, तंबू तक आए, अपनी बात रखे, बात सुने, और जो आगे की कार्रवाई के लिए जो दिशा निर्देश मंच से हो रहे हैं उस दिशा निर्देशों को आप सुने। तो साथियों मैं निवेदन करना चाहूंगा युवा भाइयों से विशेष तौर से, चुनावों में अब जून जी दिन नजदीक आएंगे, मंजर बहुत कठिन होगा, परीक्षा की घड़ी होगी तुम्हारे लिए हमारे लिए, बहुत खेले खेले जाएंगे। तो युवाओं से मेरा निवेदन है, एक तो आप अपने गाड़ी की रेस सीमित दायरे में रखें, एक आप अपने गाड़ी का हॉर्न नियमित रखें, एक आप सभी से अनुशासनात्मक भाईचारे से सोशल इंजीनियरिंग का नारा लगावे, आप सभी सतीसी कौम को साथ लेकर के सभी को एक ही दायरे में रख करके सभी को साथ में लेकर के, बड़े को सम्मान, छोटे को प्यार, बहनों से, माताओं से, बड़ों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, मजदूर भाइयों से, सभी से एक ही लाइन में आप लगे रहे और बहन प्रियंका को विजय दिलाने के लिए तुम्हें लगना होगा, निकलना होगा अपने साधनों से, अपने संसाधनों से, और पल्ला बार बार बेन को नहीं बिसाना पड़े। हम जहां कहीं भी जावे हमें हमारा पल्ला पल्लू आगे रखना है साथियों। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आज जितने भी यहां लोग आए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप अपने सका, मित्र, तन, गनाई, फूफा, मामा, फुआ, जहां कहीं भी राती जुगे में जावे, सत्संग में जावे,
बिया बिदोनो में जावे जठे जावे प्रियंकारी बात है ठोकिया कोई रोक ना रहे बेन बेटिया कोई सत्संग में जावे तो भाई हरजस गणाई करिया अबे प्रियंकारा करना है और 3 तारीख रा भाई ने जयपुर भेजनो है तो ए बात थाने बार बार करनी है और जठे भी अबे ब्याहरी सीजन है तो गीत राग वेला जठे जाओ बटे भाई प्रियंकारो गीत छेड़नो है अपने और जति जानो अपनो जो है कार वो सफल वेला और इनी बात रे हाथ में आप रजा चाहूंगा और आप सभी जो इतनी मोहब्बतू प्यारू जो तशरीफ ला करके आज इस मंच को इज्जत से नवाजा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ अभिनंदन करता हूँ आपका जय भीम।